बड़ा शौक था तुझको दिल तोड़ने का। पूरा यकीन है भाई साहब मुझे कि हमारे मुंह पे कालक मलने में इन दोनों की मिली भगत शामिल है। अम्मी आपकी गलत फहमी है, अलीजा ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। कुछ भी नहीं मुतमईन ऐसे हैं जैसे के हुआ कुछ भी नहीं। अब तो हाथों की लकीरें भी मिटी जाती कुछ भी नहीं। ये आँखें तेरे बाद बंजर हुई हैं हरी बेल जैसे कोई सूख जाए। तू मुझसे जुदा है मगर ये दुआ है तुझे याद करते हुए जान जाए जान जाए। बड़ा शौक था तुझको दिल तोड़ने का। बड़ा शौक था तुझको दिल तोड़ने का। निगाहें मिला के मुझे छोड़ने का। बड़ा शौक था तुझको दिल तोड़ने का। निगाहें मिला के मुझे छोड़ने का। जहाँ तूने यादों की गठड़ी को छोड़ा वहीं मैंने अशकों की माला रखी है। मुझे गम दिया है जो किस्तों में तू शौक था तुझको दिल तोड़ने का। माँ जी ये कीचड़ कैसे लगी? कहीं गिरे हो तुम? माँ अरे मैं कुछ पूछ रही हूँ, हुआ क्या है? ये कैसे लगा है तुम्हें कीचड़? तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? माँ हुआ क्या है? इसी कीचड़ के काबिल था मैं।
I'm sorry, हाँ, गलती से हो गया। सॉरी क्यों कह रहे हो? जबरदस्ती बांधी गई हूं तुम्हारे साथ? सबके साथ साथ तुमने भी एहसास दिला दिया तो क्या बुरा था? नहीं पूछती मैं तुमसे भी, लेकिन तुम्हें इतना परेशान देखकर बेइख्तियार पूछ लिया। आइंदा कभी नहीं पूछूंगी तुमसे। अरिशा मिली थी। इमारत दिखाने आई थी। आज
उसने मेरे कपड़ों पे सिर्फ कीचड़ नहीं फेंकी बल्कि मेरी कम हैसियत का एहसास दिलाया मुझे। अपना आप ना मुझे बहुत लूजर जैसा लगा। मेरी कम हैसियत मुझे बीच सड़क पे गाली की तरह लगी। ऐसे तरस खाती हुई नजरों से ना देखो मुझे। अपना आप ना मुझे और गिरा पड़ा लगता है, जैसे सिर्फ तरस खाने के लिए बना हूं मैं। वैसे ना अनीशा ने बहुत ही बुरी की है तुम्हारे साथ। क्या हो गया भाई, तुम लोग क्यों फसादियों की तरह आमने सामने खड़े हो? अम्मी, अनीशा ने पहले तो भागकर इसके मुंह पे कालक मली और जो बची कुची कसर थी ना आज इसके कपड़ों पे कीचड़ उछालकर पूरी कर दी। ये तो मास पागल हो गए हो, बहन पे हाथ उठाओगे? आपको इसकी हरकतें नजर नहीं आ रही है? ये मेरी बहन है, बजाय इसके कि ये मेरे दुख को समझे ये उल्टा मेरी जख्मों पे नमक छिड़क रही है। तो प्यार से समझा दो ना, हाथ उठाने की क्या जरूरत है? तो आप समझाए ना इसे, ये खत्म करे अपना ये बचपन। आप शादीशुदा होने के बावजूद भी इसका दिमाग ठिकाने नहीं आया अभी तक। बातें सुन रही हो? चलो काम करो अपना, निकाले अपनी भड़ास, सुना दे आप भी दो चार बातें। मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं है ना, ना यहाँ पे ना ससुराल में, जिसका दिल आते हैं मुझे बातें सुना देते हैं। ये अच्छी है भाई, सुनानी मैंने थी मुझे सुना के चली गई, बहुत चालाक है। कौन है? मास, मेरा कजन। तो शुक्र है कि आप मुझे मिल गए, वरना मेरी शादी ना इस लूजर से हो जानी थी। और पता है आज मैं इससे मिलने ना इसके ऑफिस गई थी। बड़ा शौक था तुझको दिल तोड़ने का, बड़ा शौक था तुझको दिल तोड़ने का। बेचारा। क्या हो रहा है? आ गए आप, ये देखें। कौन है? मास, मेरा कजन। तो शुक्र है कि आप मुझे मिल गए, वरना मेरी शादी ना इस लूजर से हो जानी थी। और पता है आज मैं इससे मिलने ना इसके ऑफिस गई थी, इसके ऑफिस के बाहर ना बहुत सारा पानी खड़ा था, फिर क्या तेज गाड़ी चलाई और सारा गंदा पानी इसके ऊपर आ गया। बड़ा मजा आया मुझे तो, शक्ल देखने वाली थी इसकी, ऐसा लग रहा था कि बेचारा अब रोएगा कि तब रोएगा। क्या हुआ? किसी को बेइज्जत करना तुम्हें इतना अच्छा लगेगा मुझे नहीं मालूम था। क्या मतलब? अरिशा, मतलब ये कि मैंने तुम्हें अपने दिल में बहुत ऊंचा मकाम दिया हुआ है।
प्लीज ऐसी हरकतों से खुद को दूर रखो। माज और अपनी पिछली जिंदगी तुम पीछे छोड़ आई हो, तो पलट के बार बार क्यों देखती हो? देखो ये बात हकीकत है कि तुम उस जिंदगी से खुश नहीं थी। अगर होती तो अपनी फैमिली अपना घर छोड़ के मेरे साथ नई जिंदगी शुरू ना करती। ठीक कह रहा हूं ना? ऐसा ही है ना? जी। इसे प्लीज मैं दोबारा ना देखूं ना सुनूं कि तुम मास को नीचा दिखाने गई थी या दोबारा कुछ ऐसा इरादा है तुम्हारा करने का। ओके मैं काम से जा रहा हूं, आप वापस आके मिलता हूं। बाय। हिटलर कहीं का आना ही नहीं चाहिए था इसे, फजूल। ब्लॉक करो इसे। ऐसे क्या देख रहे हो? अरे भाई जो कह रही हूं वो करो, वरना ये हमेशा तुम्हें इसी तरह अज़ियत देती रहेगी। तुम्हें क्या लगता है इतना आसान है? तुम्हें क्या लगता है फोन पे उसे ब्लॉक करने से हर जगह से ब्लॉक हो जाएगी वो? उसकी यादें, मेरा उसके लिए प्यार, वो सारी फीलिंग्स वो एकदम से दिलो दिमाग से निकल जाएंगी क्या? मैं जानती हूं कि तुम उसे नहीं भूल सकते और ना ही तुम्हारी फीलिंग्स कभी उसके लिए कम हो सकती है, पर उसकी वजह से तुम खुद को अजियत देने से तो रोक सकते हो। माज, जितना हक तुम अरीशा का खुद पर समझते हो उतना ही हक तुम्हारा भी खुद पर है, तुम्हारी जिंदगी पर है। मैं ये नहीं कहती कि उसे भूल जाओ, लेकिन हाँ ये जरूर कहूंगी कि उसे याद ना किया कर। क्योंकि उसकी याद तुम्हें सिवाय दुख के और कुछ नहीं देगी।
क्या बना रही हूँ? आमलेट। अच्छा, आइंदा साहब से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, बनाओगी तुम ही, लेकिन अगर साहब ने पूछा तो यही कहोगी कि मैंने बनाया। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? जी बीबी जी। गुड। गलती से भी सच निकला ना अगर तुम्हारे मुंह से, तो इस घर में आखिरी दिन होगा तुम्हारा। नहीं बीबी जी नहीं, मैं कुछ भी नहीं बताऊंगी साहब को। अच्छी बात, हटो 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 हटो, ये पकड़ो, जाओ यहां से। अरे वाह, क्या लग रही हैं आप मेरे लिए काम करते हुए। जैसा सोचा था वैसा ही पाया आपको। चलिए शुक्र है, आपने अपने दिमाग में जैसी आइडियल बीवी का नक्शा खींचा हुआ था, कम से कम उस पर तो पूरा उतरे। ये तो है। वैसे एक बात बताऊं जी, वैसे जैसा सोचा था ना, मेरे सोचने से कई दर्जे ज्यादा अच्छी निकली। थैंक यू। अभी तो उठा कर गई थी। माज माज, तुम्हें उठा रही थी। तो फिर उठाया कि नहीं? ऐसा कोई हक नहीं है मेरे पास कि तुम्हें हाथ लगाकर उठा सकूं, और शायद तुम्हें भी अच्छा ना लगे यूं उठाना मेरा। मुझे उठाने के लिए इतना सोचने की जरूरत नहीं है तुम्हें। मुझे हाथ लगा के भी उठा सकती हो तुम। Are you okay? बड़ा शौक था तुझको दिल तोड़ने का, बड़ा शौक था तुझको दिल तोड़ने का।
ये क्या सादा अंडा बना दिया है? तुम्हें पता नहीं है मैं नाश्ते में ऑमलेट खाती हूँ। जाओ मेरे लिए ऑमलेट बना दो। अलीजा, एक मिनट। तुम इस घर में मेहमान नहीं हो जो बैठे बैठे हुक्म चलाती रहती। देखा आपने किस तरह बात कर रहा है मुझसे? तो सही तो कह रहा हूं। बस बेटियां माँ बाप के घर में मेहमान ही होती हैं। जिस हिसाब से ये यहां पे रहती है ना, उससे तो ये लगता है कि अपने ससुराल में मेहमान है। अपने शौहर का उस घर का कोई ख्याल नहीं इसको, और ये सब आपकी शय पर करती है। ये बहन नाश्ता छोड़ के उठ गई है। मिल गई तसल्ली? वाह, बड़ी अच्छी सुबह की है तुमने। सुबह ही सुबह माँ और बहन दोनों को लपेट में ले लिया, वो भी इस तलाकन के लिए। अलीजा अम्मी, इसका नाम अलीजा है। मैं तो इसी नाम से पुकारूंगी इसे। अम्मी, आपने इसको इज्जत नहीं देनी, ना दे, लेकिन प्लीज इसे बेइज्जत मत किया करें। गई तेरे कलेजे को ठंडक? सुबह ही सुबह नाश्ता किए बगैर उठ के सब दस्तरखान से। अब नहीं आऊंगी मैं यहाँ पर जब तक मास मुझे मनाने नहीं आएगा। उसने मना लिया और तू आ गई। शर्तें वो रखा कर जो पूरी हो सकें। और हर वक्त एक दूसरे से ऐसे लड़ते रहते हो जैसे भाई बहन ना हो गए, कोई दुश्मन हो गए। हाँ है वो मेरा दुश्मन अम्मी, उससे ना मेरी दो रोटियां नहीं बर्दाश्त होती। तभी तो जब देखो अच्छर की ना तरफदारियां करता रहता है मेरे सामने। वो पहले तो चलो कोई बात नहीं थी, लेकिन अब जो उसने अलीजा के सामने मेरी बेइज्जती की है ना, मैं नहीं भूलने वाली अम्मी। मैं तो कहती हूँ आप भी ना नजर रखें उस पे। मुझे आसार अच्छे नहीं नजर आ रहे अम्मी। आज वो उसके लिए बोल रहे तो कल को वो किसी को भी चुप करा सकता है। मैंने तो सोचा था शादी के बाद खूब मजे करूंगी। आप मेरी ख्वाहिशात पूरी करेंगे, घूमने फिरने जाएंगे, साथ पूरी दुनिया घूमेंगे, लेकिन आपको अपने बिजनेस के अलावा किसी और चीज का ख्याल ही नहीं है। अरीशा तुम मेरी बीवी हो, हनीमून के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है। कल किसने देखा? अगर मुझे अपनी खुशियों के लिए यूं ही तरसना था
तो माज क्या बुरा था, उसको मैं कहती ना तो वो मुझे घुमाने जरूर लेकर जाता। पाकिस्तान टूर पे सही लेकिन घुमाने लेकर जाता। देखो आज बोल दिया, आइंदा ऐसा प्लीज मत कहना। मैं तुम्हारे मुंह से किसी और का नाम बर्दाश्त भी नहीं कर सकता। और रही बात हनीमून की, मैं एक दो टास से फ्री हो जाऊं फिर एक लंबे ट्रिप पे जाएंगे जहां तुम कहोगी। सच्ची? सच्ची। ओके। अब मैं जाऊं? जी बिल्कुल, और मैं आपको छोड़ने चलती हूँ दरवाजे तक। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ, सब ठीक है? आप गुस्से में लग रही हैं। गुस्से में लग नहीं रही, गुस्से में हूं मैं। क्यों? मारिया रोती हुई गई है घर से। चली गई कब? खुशी से तुम्हारी बांछें खेल रही हैं। बहन का घर में रहना बर्दाश्त नहीं हुआ तुमसे, इसलिए तो लड़ झगड़ के बिचारी को घर छोड़ने पे मजबूर कर दिया। कल मनाओ जाके उसे। मैं मनाऊं? हाँ, तुमने नाराज किए, दिल दुखाया है उसका, मनाते हुए तकलीफ हो रही है। ठीक है, मैं चला जाऊंगा उसको मनाने, फिलहाल तो ऑफिस में काफी काम है। क्यों नहीं अभी तक? तीसरी बार उनको आपने फोन से कहा है कि वो बस नहीं। हाँ हेलो, मैं अभी थोड़ा बिजी हूँ, बाद में। हसन में ये लड़की कौन थी? हाथ इतने ठंडे क्यों हो रहे हैं आपके? मैं
तुम इसको। हेलो बेटा, बेटा तुम्हारे अब्बू की तबीयत बहुत खराब हो रही, तुम लोग फौरन जल्दी आओ, जल्दी पहुंचो। अम्मी आप परेशान नहीं हो? हाँ मैं अभी आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ अम्मी, मैं आ रही हूँ। मास अब्बू की तबीयत बहुत खराब हो गई, हमें हमें फौरन निकलना होगा। नासिर नासिर प्लीज संभाल आपको, नासिर नासिर क्या हो रहा है आपको, नासिर नासिर रोश में आए प्लीज, नासिर अरीशा को बुला ली। अबू नाराज हो जाएंगे अम्मी, पहले ही उनकी इतनी तबीयत खराब है, अरीशा को देख के अगर गुस्सा हो गए तो। ये भी तो हो सकता है कि अरीशा को देखकर वो उसकी सारी गलतियों को माफ कर दे। देख वो मुंह से तो कुछ नहीं बोलेंगे, हो सकता है दिल से उसे याद करते हैं। बुला लेते हैं अरीशा को। ऑफिस में आप कौन? बीवी उनकी। वो मैम सर मीटिंग में। कहाँ है मीटिंग रूम? मैम मैं कुछ पूछ रही हूँ। मैम सर आई ओके? अलीजा कैसी हो? मुझे पहले ही पता, कहा था मैंने कि ये मनहूस है। जब से इसके मनहूस कदम इस घर में आए हमारा घर ही उलट पुलट होके रह गया। अगर मेरे नसीब की सख्ती हम ही उसे बर्दाश्त करनी, वो क्यों रखेगा मुझे अपने साथ।